इस ब्रदर का नाम रघुबीर सिंह है, जो गौरीनगर गांव के रहने वाले हैं और इनकी गवाही बहुत बड़ी है। इनकी गवाही ये है कि एक हफ्ते से इनके जीवन में कंडीशन एक हालात आ चुका था जो बड़ा हालात था इनके लिए, क्योंकि ये बताते हैं कि एक हफ्ते से इनको दुष्ट आत्मा के कारण 4-4 लोग दिखाई दे रहे थे, जिससे ये बहुत डर चुके थे, परेशान हो चुके थे। और इनकी फैमिली ने बताया कि जब ये हालात इनके आगे आया और 4-4 लोग दिखाई दे रहे थे, तो डर के कारण घर में जैसे कोई भी चीज इनके हाथ में आती थी, जैसे लाठी, माचिस या फिर दाती, जो जिसे हम दादरी बोलते हैं, वो भी इनके हाथ में आती थी, कि जो लोग इनको दिखाई दे रहे थे 4-4, जो उनको मारने की कोशिश करते थे कि वो ऐसे इनसे दूर चले जाएं, पर वो कुछ भी नहीं था होता। जब भी ये घर से निकलते थे, बाहर जाते थे, जहाँ से अपने रूम में रहते थे, तो सेम इनके साथ ऐसा हो रहा था और ये बहुत परेशान हो चुके थे। और एक हफ्ते से इनकी फैमिली ने बताया कि ये एक हफ्ते से सो भी नहीं थे पा रहे, और इनकी फैमिली भी साथ में इनके रहती थी, और ये तो कारण था। साथ में इनके जीवन में एक हालात आ गया कि जो इनकी आंखों की रोशनी थी वो भी एकदम जा चुकी थी, इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं था दे रहा। तो इनकी फैमिली इनको पकड़कर इधर उधर लेकर जाती थी और ये बहुत डर चुके थे। तो इनकी फैमिली ने प्रेयर टावर में कॉल की और बताया कि ऐसे ऐसे हमारे जीवन में ये हालात आ चुका है और इनकी हालत बहुत बहुत खराब हो चुकी है। तो जैसे इनको बताया गया और इन्होंने ऐसे चर्च में आए और इनकी मीटिंग हमारी टीम के साथ हुई, और हमारी टीम ने इनको उत्साहित किया और बताया कि ये कुछ भी नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। तो इन्होंने बताया कि जिस गाड़ी में हम बैठ कर आए हैं, उस गाड़ी में भी वो दुष्ट आत्मा मेरे साथ आई है। तो इनको उत्साहित किया गया कि वो कुछ नहीं है, जब आप अपने घर में जाओगे तो विश्वास के साथ जाना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपके साथ है, ऐसे अंगीकार करना और धन्यवाद कर जाना, कुछ भी नहीं है। तो ये चले तो गए, पर ये बताते कि सेम हालात ऐसे ही रहा। फिर नेक्स्ट ऐसे जब संडे की मीटिंग थी और जब संडे की मीटिंग में आए, तो जब प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो वो दुष्ट आत्मा इनके ऊपर प्रकट हो गया। और जैसे दुष्ट आत्मा इनके ऊपर प्रकट हुआ, तो प्रभु के दास ने ले प्रार्थना की, आओ हम उस क्लिप को देखते हैं। निकल इसके शरीर से, निकल, चल, हाँ, क्यों नहीं जाना, चल, नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, मैंने तो बड़ा चिर हो गया, तेरे बड़ा चिर हो गया है, आज तेरा लास्ट दिन है, नहीं जाना, आज तेरा लास्ट दिन है, नहीं जाना, चल यीशु मसीह के नाम से, चल पूरी तरह से शैतान, मैं यीशु के नाम से आज्ञा करता हूँ, चल पूरी तरह इसके जीवन से उखड़, आउट, छोड़, चल, चल, यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूँ, चल चल चल, छोड़ दो कोई बात नहीं, चल चल शैतान पूरी तरह से उखड़, छोड़ यीशु के नाम से, चल पूरी तरह से आस, आउट, चल, चल चल पूरी तरह से, चल चल पूरी तरह से, चल यीशु के नाम से, चल यीशु के नाम से, मैं आज्ञा करता हूं अंधकार की गंदी दुष्ट आत्मा, चल, जो तूने इसके जीवन पर जो कब्जा किया है, चल पूरी तरह से, चल आउट 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 आउट, Free the name of Jesus be healed. Free! Out! और जैसे प्रभु के दास ने ले प्रार्थना की, और जब बताते कि जब जे इस मीटिंग के बाद अपने घर में गए, तो हालात फिर से वैसे था, क्योंकि ले प्रार्थना तो हो चुकी थी, परमेश्वर ने अपना काम तो कर दिया, पर जे जो जैसा विश्वास चाहिए था वो उस अनुसार जे विश्वास नहीं थे कर रहे, तो वो हालात फिर से था इनके जीवन में और बहुत परेशान हो चुके थे। और जैसे हम सब जानते कि प्रभु के दास जैसे मंडे के दिन मीटिंग करते हैं, जो लोगों के जीवन में कुछ हालात हैं, अगर कोई भी उन्होंने अपनी पर्सनल बात को करना है, तो मंडे के दिन वो अपनी प्रभु के दास के साथ मीटिंग करते हैं। तो उसी दिन इनकी फैमिली फिर से इनको लेकर आए और इनकी फैमिली ने और इस ब्रदर की मीटिंग प्रभु के दास के साथ हुई। तो फिर प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया कि परमेश्वर तो आपके जीवन में
सब कुछ कर चुके हैं, वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन से जा चुके हैं। बस आपको विश्वास करना है कि जी हालात आपके लिए नहीं है, क्योंकि इनकी फैमिली ने बताया कि एक हफ्ते से जो अपने घर से बाहर भी नहीं थे गए, तो जैसे जी जहाँ से सीख कर गए, और प्रभु के दास ने बताया कि आज से जो आप एक हफ्ते से नहीं जो सोए, परमेश्वर आपको आज से मीठी प्यारी नींद भी देंगे, और विश्वास के साथ जाओ। और जैसे जी सीख कर और विश्वास कर गए, तो जो इनकी फैमिली ने बताया कि परमेश्वर ने इनको बहुत सारी नींद भी दी, जो कि एक हफ्ते से जो सो नहीं थे पाए, तो परमेश्वर ने इनको नींद भी दी। और शाम को इनकी फैमिली इनके साथ ऐसे प्रार्थना में बैठे, तो जैसे प्रार्थना की और सुबह फिर प्रार्थना में बैठे, तो इस ब्रदर ने बताया कि जो प्रार्थना है वो मुझे शब्द नहीं आ रहे, जो भूल चुके थे उस कंडीशन हालात के कारण, इनको वो शब्द जा नहीं थे। तो इनकी वाइफ ने बोला कि जैसे मैं प्रार्थना करूंगी आप मेरे पीछे पीछे बोलना, निश्चय वो परमेश्वर आपको अभी प्रार्थना के शब्द देंगे। तो जैसे ही इन्होंने एक अच्छे मन से प्रार्थना की, उनके पीछे पीछे बोले शब्दों को, तो इनको कुछ काम था और प्रार्थना कर ऐसे समाप्ति की, तो इनकी वाइफ ने बोला कि कुछ काम है, जाओ आप ऐसे बाइक पर जाओ और विश्वास के साथ जाना, परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि एक हफ्ते से जो बाहर नहीं थे गए, जो कि जो अपने काम काज के लिए अपनी बाइक पर जाते थे, और ये बहुत डर चुके थे। तो जैसे इनकी वाइफ ने बोला और ये विश्वास के साथ अपने काम के लिए बाइक पर गए, तो जे जैसे विश्वास किया, अंगीकार किया, और जिस काम के लिए गए जे वापस भी गए, और वापस जिस काम के लिए गए और बाइक पर चला कर गए, तो परमेश्वर ने रस्ते में इनके आने और जाने में इनको संभाल कर रखा, किसी भी तरह की इनको दिक्कत नहीं आई, जे डरे नहीं, परेशान हुए, क्योंकि परमेश्वर ने उसी दिन इनको इस दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से टोटली फ्री कर चुके थे। और आज ये ब्रदर उस पूरी प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर का जिस गवाही के लिए बहुत सारा धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए। सुनो 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 सुनो, इस साइड आ जाओ सब, सुनो सुनो सारे, सुनो सब ध्यान से सुनो। कितनों को इनकी गवाही की समझ आई, मैं क्या कहता हूं, कितनों को इनकी गवाही की समझ आई, कितनों को समझ आई? हाँ, क्योंकि ये गवाही छोटी नहीं थी। इस गवाही में आपकी गवाही बनने के लिए बहुत से पॉइंट हैं, हाँ, जिनकी गवाही अभी तक बनी नहीं, वो इस गवाही से अपनी गवाही को, इस पॉइंट को पकड़ सकते हैं कि कैसे इनकी गवाही बनी। हाँ, मैं अभी धन्यवाद कर रहा था कि जब ये गवाही बच्ची जब बोल रही थी, हाँ, देखो बहुत सी मिनिस्ट्रियों में बड़े बड़े पास्टरों से, प्रॉफिट से, पोस्टल से भी जब हम ले हैंड करवाते हैं लोग, तो काम नहीं बनता। हाँ, पर मैं इस चीज से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। बोलो क्या हूं? मैं इस चीज से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। हाँ, हाँ? नली हम तो सबसे मिलते हैं, बड़े लोग तो मिलते भी नहीं। तो और ये नहीं है कि ये कल चर्च 50,000 लोग भी बैठे होंगे तब भी मैं मिलूंगा, 50,000 लोग भी बैठे होंगे मैं वीआईपी नेस नहीं बनूंगा। कि कल को 50,000 लोग होंगे, अब मैं, मुझे लोगों की मिलने की जरूरत नहीं, तब भी मैं मिलूंगा। मैंने देखा है कि लोग कितने परेशान हैं। समझ आ रही है? तो ले हैंड तो होगी इनके ऊपर, परमेश्वर तो अपना काम कर दिया, पर हालात तब भी उतना का उतना ही था। क्या था? क्योंकि जब इनके जीवन में दुष्टात्मा काम कर रही थी, तो चार चार तो दुष्टात्मा नींद दिखाई दिख रही थी। हाँ, कोई वहां खड़ा, ये पता नहीं उनको मारने के लिए, आपने सुना ना अभी क्या क्या पकड़ लेते थे कि मैं उन्हें मारूं दुष्टात्मा को, पर वो तो हवा की तरह है, उन्हें कौन मार सकता है? पर वो किस चीज से मरती है, किस चीज से मरती है? वो खुदा के वचन से, उस श्वास से जिसको हम करते हैं। समझ आ रही है?
और उसी की वजह से इनकी आंखों की रोशनी चले गई। क्या चलेगी थी? मतलब नजर नहीं आता। हाँ, ये इनकी फैमिली वाले अभी सुना ना, साथ साथ इनके चलते थे। अभी ये हालात पूरा एक हफ्ता रहा इनके। हाँ, ये संडे आए, वीरवार आए, फिर जब संडे आए तब भी हालात उतना का उतना था, तब भी हालात उतना का उतना ही था। फिर मैंने मंडे को इन्हें बुलाया कि मंडे को उन्हें भी बोलो कि वो आए, और मंडे को मैंने ऐसे इन्हें जानकारी दी, कुछ नहीं है, परमेश्वर अपना काम कर चुके हैं, ये आपके मन की सोच है। हाँ, ये आपके मन की सोच है, कुछ नहीं है। शैतान यीशु मसीह के पैरों के नीचे है, जो विश्वास करते हैं उनके भी पैरों के नीचे, ये कुछ नहीं है, ये हालात ओलूद कुछ नहीं है, विश्वास करो। और उनकी पत्नी को समझ आ गई। क्या आ गई? अभी कितना बड़ा पॉइंट मैंने आपको ध्यान से अपने उस बात को पकड़ा नहीं। आपने सुना कि रात को तो मिठी नींद आई, जब सुबह उठे तो प्रार्थना करने के लिए बैठे तो ये प्रार्थना, इनके मुंह में कोई भी शब्द नहीं आ रहे कि क्या प्रार्थना करूं। फिर इनकी मिसेस ने, इनकी पत्नी ने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे क्या करो, प्रार्थना करो, क्या करो, जो भूल गए थे, आ नहीं रही थी। तो जैसे उन्होंने अपने पीछे पीछे प्रार्थना की और धन्यवाद किया और परमेश्वर के विश्वास किया कि बस सब कुछ आप कर चुके हो, और कितने विश्वास से, जो जिस बंदे से दो कदम भी चलना क्या था, कठिन था, उनकी पत्नी का विश्वास बढ़ा है। कैसे उन्होंने विश्वास से कहा, जाओ अब किसी काम के लिए जाना, जाओ बाइक ले जाओ, ये नहीं डर रखा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। जब तक ये संदेह डर है तब तक परमेश्वर कोई कुछ नहीं करेगा। जब तक हमारे मन में संदेह डर है, मैंने कहा, तब तक परमेश्वर अपना काम नहीं करेंगे। जैसे विश्वास दिया परमेश्वर को और अपने पति को बोला कि जाओ आप किसी काम के लिए, किसी को बुलाना है, आप बाइक लेकर जाओ, पर सब अच्छा हो चुका, कोई डर नहीं मन में रखा। और जैसे ही अपना पूर्ण विश्वास परमेश्वर को दिया, आंखों की रोशनी भी पूरी होगी, सब वो दुष्टात्मा का हालात, सब बीमारी, सब कमजोरी, सब कुछ क्या हो गया, क्या हो गया, सब कुछ सही हो गया। टाइम लगा, पर जब टाइम लगता है तो टाइम लगने का कुछ कारण है। जब हम उन बातों को लेकर कई विचार सोचते हैं, हाँ, हालात को देखकर कई मन में हमारे ख्याल आते हैं, हाँ? पर जब इनकी पत्नी को बात समझ आ गई कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारे लिए सब कुछ कर चुका, अपना विश्वास दिया। और देखो आज आपके सामने है, हाँ? नहीं तो पता नहीं, जैसे लोग संसार में हॉस्पिटलों में पड़े हैं, ये भी हॉस्पिटल में होते, पता नहीं डॉक्टर कहता इनकी आंखों की वेन्स दब गई हैं, ये हैं, इतने हजार इतने लाख रुपया लगेगा जी, क्या लगेगा, क्योंकि अभी आंखों की रोशनी नजर नहीं आ रहा, तो जब जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे वो, ये हो गया, इन्हें ये बीमारी हो गई है, ये इसका ये इलाज है, वो इलाज है, इतना पैसा लगेगा। हाँ, अभी अंधा बंदा तो घर में बैठाएंगे नहीं। हाँ, समझ आ रही ना आपका परमेश्वर कितना महान है। हाँ, भलो क्या है, आपका परमेश्वर कितना महान है, पर फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रही। हाँ, समझे हो, ये छोटी बात है, अगर ये आज हॉस्पिटल में पड़े होते, पता नहीं कि डॉक्टरों ने क्या क्या बता देना था। हाँ, इन्हें ये हो गया, वो हो गया, जैसे संसार में लोग पड़े हैं, आप गवाहियां सुनते हो, हाँ? कैसे हार्ट के पेशेंट जिनकी नाड़ियां ब्लॉक हो गई, परमेश्वर ने फ्री कर दिया। अभी हमने, हाँ, यहीं पे बैठी होगी वो बहन जिसकी पैर की नसें दब गई थी और डॉक्टरों ने पैर काटने के लिए बोला था, तो परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई भी काम कठिन, उसके लिए मैंने कहा कोई भी काम कठिन नहीं है।
पर वो आपका मन आपका विश्वास देखता है। क्या देखता है? जब आप उसे वो वाला विश्वास देते हो फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, हर एक के जीवन में काम करता है, हर एक के। इसलिए ऊंचा तारीफ करो इस गवाही के लिए, ऊंचा ऊंचा धन्यवाद के साथ। ओके जी, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे।